जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारे नूं शाम दे प्रोग्राम दे विच एक बार फिर निघा स्वागत करदे आं लाइव तुहाडे नाल अज जुड़े हाँ ते तुसीं वी साडे इस प्रोग्राम दे विच जो असीं वख-वख टॉपिक्स कवर करने आ उहनां दे विच साडे नाल जुड़ के आप दे विचार सांझे कर सकदे हो एक बार फिर लाइव अज तुहाडे नाल जुड़े हाँ ते लाइव कॉलर नंबर भी स्क्रीन ते फ्लैश हो रहा जरूर तुसीं साडे नाल कनैक्ट करो अज दे मुद्दियां ते अपने विचार सांझे करन लई बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लैके हाजिर होए हैं अज मैं थोड़ी जी तुहाडे नाल डोमेस्टिक यूनाइटेड स्टेट्स कुछ वड्डी हेडलाइनस शेयर करांगी अफकोर्स इंडिया वल थोड़ी जी नज़र पावांगे अज के इंडिया दे विच पंजाबियां दा सिखां दा किस तरह दा फ्यूचर लगदा है एंड जदों मैं डोमेस्टिक गल करदी हाँ थोड़ी जी मैं तुहाडे नाल लोकल इत्थे न्यूयॉर्क दे इस स्पैशल इलैक्शन बारे भी जानकारी शेयर करांगी जो कि कांग्रेस दी तुसीं कह लो इस वेले मजॉरिटी माइनॉरिटी बैलेंस नूं अपसैट कर सकदा है सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस जिस तरह तुहानूं दस्सिया है एक बहुत ही वड्डा बॉर्डर बिल डिजास्टर इस वेले कांग्रेस दे विच प्ले आउट हो रहा है किसी नूं इस चीज़ तो कोई गलतफहमी नहीं हैगी कि यूनाइटेड स्टेट्स दे विच अज दी डेट दे विच बॉर्डर दा इशू सब तो वड्डा किचन टेबल इशू सब तो वड्डा पेन पॉइंट अमेरिकन्स लई बनिया होया भावें तुसीं सदर्न बॉर्डर स्टेट्स दे विच रहिंदे हो या नॉर्दर्न स्टेट्स दे विच रहिंदे हो असीं न्यूयॉर्क तो यह प्रोग्राम तुहाडे नाल पेश कर रहे हैं इत्थे माइग्रेंट क्राइसिस किन्ने वड्डे लैवल ते महसूस हो रही है इत्थे दा मेयर बार बार विरोध करदा है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन दा कि किस तरह फैडरल हैल्प नहीं मिल रही एंड जदों रिपब्लिकन्स वल्लों यह कहा जांदा है कि बॉर्डर ते एक्शन होना चाहिदा है उस चीज़ का जवाब रिपब्लिकन पार्टी खुद ही दे रही है कि नहीं कोई एक्शन नहीं हो सकता बिकॉज तीन महीनों बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर दी इंटेंस नेगोशिएशंस बाद सेनेट दे विच एक बॉर्डर बिल बाईपार्टिजन सपोर्ट दे नाल ड्राफ्ट किया गया इस बिल दे को स्पॉन्सर्स कुछ कट्टर रिपब्लिकन्स इन अलोंग विद डेमोक्रैट्स जिन्होंने रल के यह बिल लिखिया अज की डेट दे विच ओह बिल वी डेड ऑन अराइवल हैगा क्यों बिकॉज फॉर्मर प्रेजिडेंट ट्रंप जिन्हों का इस वेले सरकार या लोकतंत्र दे विच कोई ऑफिशियल अहुदा नहीं हैगा उन्होंने अपनी रिपब्लिकन पार्टी अपने बेस नू यह कहा कि कोई भी सपोर्ट डेमोक्रैट्स दे बॉर्डर बिल लई अगर तुसी करोगे तुसी इस पार्टी दे लई गद्दार होवोगे मेरी मूवमेंट मेरी मैगा मूवमेंट तो गद्दार पाओ जाओगे एंड अज President Biden ने इस क्लेम नू डायरेक्टली एड्रेस किया रिपब्लिकन्स नू यह कहा ग्रो अ स्पाइन बंदे बन के इस बिल नू तुसी सपोर्ट करो अमेरिकन्स नू इस बिल दी लोड हैगी इस प्रोटेक्शन दी लोड हैगी सदर्न बॉर्डर दे विच इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सिस दी लोड हैगी यह सारी चीज़ा यह बिल प्रोवाइड करता है इन एडिशन टू द फैक्ट यह $118 बिलियन दा बिल यूक्रेन अते इजराइल लई भी होर मिलिटरी एड प्रोवाइड करता है पर यह कोई भी चीज़ा लगता नहीं कि इस वेले कामयाब होणगियां बिकॉज यह बिल सैनेट दे विच शुरू होया जिथे वंस अगेन बाईपार्टिजन डेमोक्रेट्स ते रिपब्लिकन्स कट्ठियां दी सपोर्ट दे नाल इह बिल नू लेजिस्लेट ड्राफ्ट किया गया इंटेंस नेगोशिएशंस बाद फाइनलाइज किया गया ते अज दी डेट दे विच लगदा नहीं है कि इह सेनेट तो भी अगे वधूगा कांग्रेस दे विच तां बिल्कुल भी इहदा कोई तुसीं कह लो कोई उम्मीद नहीं हैगी इस बिल दी पहुंचण दी भी लेट अलोन गैटिंग आउट ऑफ कांग्रेस एंड गैटिंग टू प्रेजिडेंट बाइडनस डेस्क इह बिल एक तुसी कह लो लास्ट मेजर सीगा इस बॉर्डर क्राइसिस नू करंटली सॉल्व करन दा एंड रिपब्लिकन कंग्रेशनल कॉकस वालों इंस्टैड के यहोजे बिल्स यहोजी लैजिस्लेशन यहोजे सल्यूशनज वाल काम किया जाए इंस्टैड अज असी वेख्या कि किस तरह होमलैंड सिक्योरिटी सैक्रटरी अलेहांड्रो मायोर्केस नू इंपीच करन दी गल हुई एंड इस वोट दे विच भी रिपब्लिकन्स कट्ठे रल के इंपीचमेंट नहीं कर पाए इंपीचमेंट पास नहीं कर पाए सैक्रटरी मायोर्केस ले जो कि डिफेंस सैक्रटरी हन अलैजली रिपब्लिकन्स की कोशिश सी कुछ रिपब्लिकन कंग्रेशनल मैंबरस की कोशिश सी कि इस बॉर्डर क्राइसिस दे विच जो कुछ हो रहा है ओदा इल्ज़ाम ओदा तुसी कह लो रिस्पोंसिबिलिटी सिर्फ ता सिर्फ सैक्रटरी मायोर्केस ते पाई जाए ते उन्हानू इन चार्जेस हेठ इंपीच किया जाए बट कुछ रिपब्लिकन्स भी इस चीज़ दे नाल सहमत नहीं सीगे
इसे करके यह इंपीचमेंट नहीं सक्सैसफुल। कुछ रिपब्लिकन ने कांग्रेस के विच कहा कि यह भी सानू एक वड्डा स्टंट लगता है, जिस तरह एक वधिया बॉर्डर बिल डेस्क ते आ सकता सी उन्नू सैबटॉज किया गया एक एहो जे इंडिविजुअल वालों जो कि इस वेले सरकार दे विच मौजूद भी नहीं हैगा। सो बॉर्डर नू लैके खास करके यूनाइटेड स्टेट्स दी वधदी हुई माइग्रेंट क्राइसिस नू लैके असी तुहाडे लई एक स्पैशल प्रोग्राम इन डेप्थ डिटेल डिस्कशन दे नाल प्रिपेयर कर रहे हैं। आने वाले दिनों दे विच ओह वी तुहाडे नाल शेयर करांगे किस तरह है बॉर्डर क्राइसिस ते अज दी सरकार अते आने वाले समय दे विच की वादे किए जा रहे हैं करंट अते फ्यूचर कैंडिडेट्स अते पॉलिटिशियंस वालों। बिकॉज वंस अगैन यह बॉर्डर क्राइसिस अज दी डेट दे विच इकोनॉमी नू छड़ के शायद सब तो वड्डा इशू हैगा अमेरिकन्स लई। बट अगर असीं बॉर्डर तो हट के थोड़ी जी अपनी कम्यूनिटी वाल वेखते हाँ, खास करके सिख डायस्पोरा वाल, सिख डायस्पोरा दी स्ट्रेंथ, सिख डायस्पोरा दी गिनती बड़े वड्डे लैवल ते पाई जा रही है। इनफैक्ट रीसेंटली असीं तुहाडे नाल प्रोग्राम शेयर किया कि किस तरह कैलिफोर्निया दी कैपिटल विच ऑलमोस्ट 1.5 लाख सिख पहुँचे एक रेफरेंडम दे विच वोट पाण लई, एक रेफरेंडम जो कि इंडिया दे विच सिखां लई पंजाबियां लई एक सैपरेट स्टेट मंग रहा है। यह रेफरेंडम सिख डायस्पोरा दी स्ट्रेंथ बाहरले मुल्कां दे विच जरूर दिखा रहा है, भावें वह यूनाइटेड स्टेट्स होए, कैनेडा होए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। बट वट अबाउट इंडिया, इंडिया दे विच सिखां दी इस वेले की स्थिति बनी हुई है एंड जो करंट रूलिंग पावर्स हन वह सिखां लई की वादे अगे प्रोमिस कर रही हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स, किस तरह की आउटरीच या ऑपोजिट, किस तरह के पोटेंशियल हार्मफुल एजेंडे लेके अगे वध रही है। अज थोड़ी जी चर्चा इस इशू ते कर रहे हैं। वंस अगैन असी तुहाडे नाल लाइव जुड़े हुए हैं ते मैं उम्मीद करदी हां कि तुसी भी कॉल करके आप दे विचार साडे नाल सांझे करोगे। बिकॉज अज यह प्रोग्राम असी कम्यूनिटी मैंबर दे नाल कर रहे हैं, असी तुहाडे नाल करना चाहते हैं। यह इशू सिर्फ साडे सिख डायस्पोरा दा इत्थे बैठिआं दा नहीं हैगा, यह इशू साडी तुसीं कह लो एनसैसट्रल लैंड दा हैगा, साडे गुरुआं पीरां दी धरती दा हैगा। जो साडी विरासत पंजाब दे विच पाई जाती है, उस विरासत का अज मुद्दा लैके तुहाडे नाल हाजिर होया। उस विरासत की रखवाली कौन कर रहा ते कौन करूगा आने वाले समय दे विच, इहदे बारे थोड़ी जी गल करांगे। जिस तरह तुहानूं दस्सिया साडे नाल गैसट भी जुड़े हुए हैं ते मैं होप करदी हां तुसीं भी जुड़ोगे। कॉल करके स्क्रीन ते लिखिया होया नंबर तुसीं आप दे विचार साडे नाल सांझे कर सकदे हो। लाइव तुहाडे नाल अज जुड़े हाँ एंड मैं जाण तों पहले ये भी कहना चाहती हाँ कि प्रोग्राम के अखीर दे विच एक बहुत ही स्पैशल इंटरव्यू उस कैंडिडेट दे नाल जो कि न्यूयॉर्क दी स्पैशल इलेक्शन दे विच खड़े हुए हन, उहदे बारे मैं होर जानकारी आने वाले समय दे विच तुहानूं दवांगी। बट अज दी डेट दे विच इंडिया बैठे हुए सिखां दा की फ्यूचर हैगा, उहदे बारे थोड़ी जी चर्चा करांगे। वंस अगैन लाइव तुहाडे नाल जुड़े हुए हैं, गैसट भी साडे नाल जुड़ चुके हन ते तुसीं भी साडे नाल कॉल करके जुड़ सकदे हो। थोड़ी जी गल करांगे कि जिथे सिख डायस्पोरा इन्ने वड्डे लैवल ते आपदी प्रेजेंस महसूस करा रहा है बाहरले मुल्कां दे विच, खास करके रीसेंटली जो कैलिफोर्निया दे विच रेफरेंडम होया उहदे विच इन्नी वड्डी गिनती दे विच सिखां दी हाजरी लगी, वोटां पईआं। एंड इह वी तुसीं कह लो कहा गया, इह वी असीं वेख्या कि किन्ने हज़ारां लोकां दी वोट हले गिनी भी नहीं गई, वह वोट कास्ट भी नहीं की गई बिकॉज लाइनज़ इन्नी लंबिया सगियां तो पोलिंग बंद हो गई सी। बट इन एनी केस जो यह सारे लोगों की मंग सीगी कि साडा अपना पंजाब होना चाहिए, उही मंग अगर असी इंडिया विच पंजाब दे विच रहन वाले सिखां तो पुछिए, उन्हां तो यह पुछिए कि जो तुहाडी लोकल इनवायरमेंट हैगी पोलिटिकली स्पीकिंग वह तुहानूं किस तरह का फ्यूचर दिखा रही है, उहदे बारे थोड़ी जी चर्चा अज कर रहे हैं। इनफैक्ट साडे इसे प्रोग्राम ते रीसेंटली कुछ कम्यूनिटी मैंबर्स ने आके यह कहा कि सिखां लई एक बहुत वधिया फ्यूचर हैगा इंडिया दे विच। इनफैक्ट करंट भावें रूलिंग पार्टी होए या भावें जो RSS दी मशीनरी हैगी वह सिखां लई बहुत कुछ कर सकती है। साडे अज शाम दे जो गैसट साडे नाल जुड़े हुए हैं वह इस क्लेम दा एक काउंटर क्लेम करना चाहते, इस क्लेम दा रिबटल देना चाहते हैं, तो मैं बहुत खुशी हो रही एक बारी फिर साडे नाल अज जुड़े हुए हैं कैलिफोर्निया तो डॉक्टर गुरिंदर गरेवाल जी। सब तो पहले डॉक्टर गरेवाल जी तुहानूं प्रोग्राम दे विच एक बारी फिर स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ जो कि साड़ी एनसेस्ट्रल लैंड हैगी बट इस मंग तो अलावा जो करंट सिचुएशन है इंडिया दे विच सिखां लई उहदे बारे थोड़ी जी गल करदे आ जो साड़े इस शो ते क्लेम किया गया कि सिखां दा इंडिया दे विच या किसी भी माइनोरिटी कम्यूनिटी का बहुत वधिया फ्यूचर है कोई दबाव नहीं उन्हां नूं महसूस हो रहा कोई तंगी नहीं इन माइनोरिटी कम्यूनिटीज़ नूं जिहदे विच सिखां दी भी गिनती आउंदी है महसूस हो रही इस क्लेम दे तुसीं विरोध दे विच हैगे अज तुसीं रिबटल देण लई पहुंचे हो सब तो पहले डॉक्टर गरेवाल जी तुसी हाई लेवल ते की कहना चाहोगे देखो थोड़े इस प्रोग्राम ते एक बंदा जी दा नाम सुखी चाहल उन्हें आके कहा कि सिखा ने जे कुछ लेना तो आरएसएस नाल रल जाओ उन्हां कोले पावर है बिना पावर तो कुछ नहीं मिलता उदी मैं वीडियो देखी लाइव तो नहीं देखी बाद देखी तो आई फेल्ट वेरी इंसल्टड सो आई एम हेयर कि उहदा जवाब देने लई जवाब जिहड़ा हैगा मैं अपना परसनल कट देवांगा जिहड़े हैगे आ एविडेंस आ उहदे नाल देवांगा उन्हें पहला कहा कि जे सिखा ने कुछ लैना तो पावर आर एस एस को उन्हां नाल रल जाओ बीजेपी नाल रल जाओ तो थोड़ा कुछ बन सकता हैगा इहदा जवाब मैं इहनूं दिंदा कि इह सिखी नूं समझदे नहीं है गुरु गोबिंद सिंह जी दे दो छोटे साहबजादे 7 साल ते 9 साल दा उन्होंने अपनी जान दे दित्ती दीन नहीं छड्डिया ईन नहीं मन्नी ये उन्हां दा बाल दिवस मनाउंदे आ इन्हां नूं ये नहीं पता वह बच्चे नहीं सी वह बाबियां वर्गे सी वह गुरु दे पुत सी वह सानूं जिहड़ी एग्जाम्पल छड्ड के गए आ असीं वह फॉलो करनी आ कि ना कि असीं आर एस दे वर्कर बनना सो दिस इज नंबर वन दूजी देखो भाई गुरदास जी की बाणी जी हैगी गुरबाणी की कुंजी कहा जाता लिखत जारे सिख पढ़ते भाई गुरदास कहते दाता ओ ना मंगीए फिर मंगण जाइए होछा शाह ना कीजिए फिर पछताइए चार लाइन होर मैं दो नाल ही खत्म कर दिना कि ना तो यह दाते आ ਇਹ ਹੋਸ਼ੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਸ਼ੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁੱਖੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਟੂ ਹਿਮ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬੜੀ ਬਰੈਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਮੈਂ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਘਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ टीवी से ब्रैक करता वह सानू की असर आ जो गुरु नानक जी ने ट्रैवल किया उन्होंने भाई लालो के घर गरीब तरखाण के घर रहना पसंद किया भाई भागो का खाना जोड़ा सीगा नहीं स्वीकार किया इन्हों सिखी का कुछ पता ही नहीं जो आर एस एस ने इन्हों सिखाया वो सिखी नहीं है जे गुरु नानक ने पहला जवाब दे दिता तो असी योगी के घर तो की लैना हू केयर इनू कोई परसनल फायदा हो सकता सिख कौम का वो कोई तलक नहीं है योगी के घर नालों सारे सिखा के घर वधिया ने पुंजे पै के भी असी पसंद करते हैं गुरु गोबिंद सिंह का एक है लेख यार अड़े का सानू सत्थर चंगा भट केड़िया दे रहना सो इनू मैं याद करा कि जी सिखी है जां तां उन्हां नूं पढ़न जां समझन जां अपने आप नूं सिख गवाउणा छड़ देण जी इंदिरा गांधी दी एमरजेंसी लगी सी मोदी तो आप गुरुद्वारे च लुकदा फिरदा सी आ देखो सिख बने आया दाढ़ी चाढ़ी हुई आ ये तो आप सिखा तो शरण लेंदे रहे हैं हुण भुल गए कि किवें सिखा दे रूप दे विच बचिया हैगा जी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ
हाँ जी, मैं इंद्रजीत सिंह थिंद बोल रहा कैलिफोर्निया तो। सत श्री अकाल थिंद साहब, एक बार फिर तुहानू स्वागत करते हैं। की तुहाडे विचार अज तुसी सांझे करना चाहोगे? मेरे विचार ये ने कि असी RSS ना कदे भी हाथ नहीं मिला सकते जी, क्योंकि वो सिख विरोधी है, सब तो सिख विरोधी। अगर अज कोई दुनिया के बिच संस्था है वो है RSS जी। उदिया बड़ी एग्जाम्पल ने जी, सब तो वड्डी एग्जाम्पल है कि असि 1984 वास्ते असी दोषी ठहराने कांग्रेस नूं। मैं किसी पोलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा नहीं गा, पर एक मैं किताबों के भी पढ़िया, तो बहुत सारिया किताबा इस लिखिया गई। मार्क तुली की पहली किताब सी अमृतसर इंदिरा गांधी लास्ट बैटल, जी कि सब तो ओथेंटिक सी जी। तो उहदे विच उन्होंने मैनशन किया है कि हिंदुस्तान की हर पोलिटिकल पार्टी ने उस वेले सिखां दा कान किया, इनकलूडिंग अकाली दल जी। और जिहड़ा वध तों वध अटैक साढ़े से उत्थे उस वेले हो रहा सीगा, वह हो रहा सी इन्हां वल्लों जी। तो इस करके असी इन्हां दा हाथ किदां मिला सकते हैं? अस तो इन्हां दी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, इन्हां दी परछाई लंघना भी पसंद नहीं करते, तो असी इन्हां दे नाल हाथ मिलाइए जी। सिख इज़म दे सब तो बड़े दुश्मन ने यह मोहन भागवत एंड कंपनी, मैं नाम भी लै दिना जी। थैंक यू सो मच इंद्रजीत जी। तुसी एक इतिहासिक जिक्र किया इत्थे, डॉक्टर गरेवाल जी तुसी भी कुछ डेटा कंपाइल किया कि अगर असी हिस्टरी वाल वेखिए कि किस तरह RSS जो कि किन्नी पुरानी संस्था हैगी, इसे करके असी इन्हूं एक मशीनरी कहा है, किन्ने पुराने समय तो चलती आ रही है, कि हिस्टरी एक पैटर्न सानू दिखाती है। डॉक्टर गरेवाल जी तुसी इस पैटर्न बारे की कहना चाहोगे? देखो मैं ना कुछ RSS दियां जिहड़ियां सिख विरोधी कार्रवाइयां आ उन्हां नूं हाईलाइट किया, क्योंकि इन्ने समय दे विच इन्ना सारा कुछ नहीं हो सकता। 1953 दे विच BJP दा जिहड़ा पहला प्रेजिडेंट सी मुखर्जी ते भाजपाई, ये कश्मीर जाते हैं कि उसे जिहड़ा उन्हां दा स्पैशल प्रिविलेज सी उहनूं खत्म करनी चाहीदी आ। भाजपाई कहिंदा कि ये उहदी जिहड़ी आ बायोग्राफी उहदे विचों कहिंदा, मैं अपनी कहानी नहीं सुणाउंदा। ਵਾਜਪਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟ ਵੀ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਮਜੋਰਟੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਖਰਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੰਮੂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਮੁਖਰਜੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੱਤਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ BJP ਆਈ ਆ। ਵਾਜਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਥੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ 1953 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ BD ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਠੋਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ 84 ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ RSS ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ BD ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੋਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਏਗੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੀਏਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ RSS ਵਾਲੇ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਲੈਟਸ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦਾ ਫੈਕਟਸ ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਪਾਸਟ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਫਕੋਰਸ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮੈਂ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ
जिन्नी देर सिखा दी पोलिटिकल पावर इंडिया दी पंजाब स्टेट विच नहीं करैक्ट हुंदी फॉर प्रो सिख जनो उन्नी देर साडा कुछ नहीं हो सकदा। ये बिल्कुल नतीजा सामने है ज्ञानी जैल सिंह तो लैके सन ओ 71 च सीएम बने सी उदों बाद जिहड़े तीन या चार सीएम आए हैं वो सारे दिल्ली तो डायरेक्शन लैके ही चलते रहे हैं। पोलिटिकल डायरेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए है और जिहड़े सिखां दा काज है उहदे वास्ते जिहड़े साडे उत्थों दे पोलिटिकल लीडर हैं उहनां नूं इहदे वास्ते तत्पर होना चाहिए। इत्थे सानूं बैठा किसी नूं कहना ना कहना दैट इज इमटीरियल क्योंकि जिहड़े लोग उत्थे रहिंदे हैं उहनां दी उत्थे जान माल प्रॉपर्टीज हैगियां और सो जी हाँ जी सो मैं यही कहना चाहूंगा भी सानू आपस दे विच इत्थे कोई नहीं होना चाहिए। हुण मैं अज ही मैं एक डिबेट देखता सी NRI या प्रॉपर्टीज की बाबत जी और मैं देखता जिहड़ी स्टेट किसी की प्रॉपर्टी नूं नहीं प्रोटेक्ट कर सकती उहदे विच भी सिखां दे दो ग्रुप होए आ जिहड़ियां उत्थे तीन पार्टियां मैं तो उहनां नूं इक्को ही सवाल पुछना चाहुंदा जिहड़ियां उत्थों दीआं सारीआं पोलिटिकल पार्टीज हैं क्या साडा हक उत्थे प्रॉपर्टी का नहीं है और नंबर दो वो सानू तीन गुड रीजन दस देन भी जिहड़े सिख हैं ये एंटरप्रेन्योर असीं पंजाब दे विच आ के इनवैसट करिए जदों तुसीं साडीआं प्रॉपर्टीज नूं ही उहनां उत्ते किंतु परंतु कर देंदे जे मैनूं तां इह लगदा ये उहनां नूं सीधी गल पुछणी चाहीदी है भी वट सूट्स देम भी सानू उत्थे पजा के साडीआं प्रॉपर्टियां नूं खराब करके उहनां नूं सूट करदा कि उन्होंने अपनी उत्थे कोई प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है तो साडा हक है अगर साडा हक ही नहीं उत्थे सेफ तो असी किधर जाना। सो NRIs नूं इत्थे ज्यादा आपस दे विच डायलॉग करना चाहिए एक दूजे नाल सानू टीवी चैनल ते लड़ना नहीं चाहिए। थैंक यू डॉक्टर बाजवा जी। डॉक्टर बाजवा जी ने प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया जमीना का जिक्र किया एंड डॉक्टर गरेवाल जी इस इशू उत्ते तुहाडे भी कुछ कमेंट्स हैं खास करके सिख जमीन बाहरले सूबियां दे विच असाम गुजरात एहो जे एरियाज़ दे विच सिखां दा इंडिया दे विच की भविख की फ्यूचर हैगा अज उहदी गल हो रही है तुहाडे विचार मैं इनवाइट करदी हाँ जरूर साडे नाल जुड़ के सांझे करो साडे नाल जुड़े हुए हैं एक्सक्यूज़ मी इस डिस्कशन दे विच कैलिफोर्निया तो डॉक्टर गुरिंदर गरेवाल जी। डॉक्टर साहब एक बार फिर प्रोग्राम दे विच तुहानू स्वागत करदे आं। डॉक्टर गरेवाल जी तुसी कम्यूनिटी दे विच एक एक्टिविस्ट दे तौर ते काफ़ी काम करदे हो काफ़ी सेवावां करदे हो सिख हैरीटेज एजुकेशन अते कल्चरल ऑर्गनाइजेशन ऑफ अमेरिका वल्लों वख वख इनिशिएटिव्स सिखां दी विरासत नूं प्रोटेक्ट करन लई तुसी अगे लै के आंदे हो यूनाइटेड स्टेट्स दे विच बट अज साडी गल इंडिया दे सिखां बारे हो रही है साडे इतिहास विरासत साडी हैरीटेज एंड साडे उन सिखां दे फ्यूचर बारे जिन्हां ने एक्चुअली उत्थे रहना है। साडे लास्ट कॉलर डॉक्टर बाजवा जी ने कहा कि सिखां दी जमीन दा इशू असीं क्यों नहीं चुकदे सिखां दी जो इन्वेस्टमेंट हो सकदी है पंजाब दे विच उहदा इशू क्यों नहीं चुकदे जमीन नूं लैके खास करके तुसीं कुछ पॉइंट्स रखना चाहते हो एंड एक बार फिर असी गल लैके जाने वापस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वाल। डॉक्टर गरेवाल जी तुसी की कहना चाहोगे? देखो इन्हां दा मैं जवाब दिंदा मैनू दो मिनट दिओ मैनू पहला पूरा कर लैण दिओ जिहड़ा अपना डिस्कशन चल रही सी जी। सो डिस्कशन ये चल रही सी कि RSS ने सिखां लई चंगा कीता माड़ा कीता वह आपां गल कर रहे सी। February 14, 1984 च हरिमंदर साहब का मॉडल बना के अमृतसर रेलवे स्टेशन ते तोड़िया गया हरबंस लाल खन्ना जिहड़ा BJP दा लीडर सी। ब्लू क्रॉस तो पहला 1984 च लाल कृष्ण अडवाणी ने एक जुलूस कढ़िया इंदिरा गांधी नूं मजबूर करन लई वी हरिमंदर साहब ते हमला करो। उहदी डाकूमेंटेशन उहदी अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ उहदे विच पिक्चर हैगी आ उस डेमोस्ट्रेशन दी। हुण उहनूं पिछे थोड़े दिन पहला इहनूं भारत रत्न दा खिताब दित्ता हैगा मोदी ने। सो देखते चलो कि सिखां नूं किन्ना कैप्रीशिएट किया जाता है। ब्लू स्टार तो बाद RS ने BJP ने मिठाइयां वंडियां साडे बंदे शहीद होए इन्होंने मिठाइयां वंडियां
नाना जी देशमुख आरएसएस दा लीडर होया, उन्हें एक लेख लिखिया मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग ब्लू स्टार तो बाद उन्हें इंदिरा गांधी नू शाबाश दिती। दिल्ली का जिहड़ा कतलेआम सिखां दा होया उहदा जिम्मेवार भी सिखां नू ठहराया, उन्हों भी मोदी ने भारत रत्न का खिताब दिता। उदू बाद फिर होर चलांगे, पर मैं इन्हों का जवाब दे दिना क्योंकि डिस्कशन जिहड़े टॉपिक ते चलदी आ उहनूं डीरेल करन लई क्वेश्चन है जे पुछे। जिहड़ी सिखां नू जमीन मिली आ, ये सिख मुजाहरे से, इन सिखां नू मशीन जमीन मिली आ बाबा बंदा बहादुर की ताकत नाल। उन्हें पंजाब च आके लड़ाई की, कुरबानियां कीतियां, सिखां नू सरदार बनाया। उदू पहला सारे मुजाहरे से, जिथे थोड़ी जान की राखी नहीं, जिथे थोड़ी धी भैन की इज्जत की राखी नहीं है, जिथे थोड़ी धर्म की राखी नहीं है, जमीन की राखी की करूगी। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने बच्चों के नाम मुरबे लवा के गए, सिखी है कुरबानी शहीदी का जज्बा। जिन्हें जमीना लैनिया तो दूजा काम करो, यदा सिर तर कली मोरी आओ, वो गुरबाणी के सिखा दे कुरबानी है, शहीदी दो आपा वारो। सो जमीन जी है यदा इलाज मेरे को नहीं है, जब थोड़ी जान ही नहीं सेव, थोनू यही नहीं पता थोनू उत्थे किसी ने मार देना, तुसी जमीन नू की करोगे। उत्थे डैमस अपने वोटिंग होंगी सी, उत्थे भी सरदार साहब मिले, कहिंदे मैं इंडिया जाना कल नू, मैं क्या तुसी की करना जमीन, ज दो एकड़ तीन एकड़ जमीन पिछे भरावान लड़ोंगे, कचहरियां धक्के खाओगे, इत्थे थोनू रब ने भेजा वधिया रहने हो, जमीन जिनी मर्जी ला लो। सो मेरा तो यही सुनेहा है मेरे भरावान नू, दो दो चार चार एकड़ पिछे जाके भरावान ना ना लड़ो, छड़ दिओ लालच, छड़ दिओ उन्होंने बेचारिया का गुजारा होने दिओ, तो उत्थे जाके कचहरियां धक्के खाने, लोगों नू सलामा करदे हो, रिश्वतां दिंदे हो, कादे लई ये तुसी नाल लै जानी आ। अलैगजेंडर भी हथ खाली बाहर कहिंदा मेरे कढ दिओ कि लोगों नू पता लगे मेरे नाल की जाना। सो जिहड़ा जमीना का लालच आ ना, ठीक है जुड़े हुए जमीन जिहड़े सिख हैगे किसान हैगे आ उहदा कोई इलाज नहीं हैगा, पर वह उन्नी देर सेफ नहीं हो सकती जिनी देर थोड़ी जान नहीं सेफ है जी। गुरुद्वारे देखो हुण लिस्ट गुरुद्वारे दी इहदे च थोड़े है नहीं गी, किन्ने गुरुद्वारे मोदी दे राज च ढोए गए ने, कलियां मस्जिदां नहीं ढाई गईयां। अरुणाचल प्रदेश दे विच गुरुद्वारा ढाया, ज्ञान गोदरी हरिद्वार, नानक बरीन हरिद्वार, गुरुद्वारा नानक बरी उत्तराखंड, गुरुद्वारा नानक पदेव नियर रीठा साहब, गुरुद्वारा अलमोरा इन उत्तराखंड, गुरुद्वारा पौ साहब गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल रिलेटड सी, गुरुद्वारा मंजी साहब उत्तराखंड, गुरुद्वारा समाध राणी जिंद महाराष्ट्र, किन्ने गुरुद्वारे ढाए गए है। तुसी दो दो एकड़ नूं रोने हो तां तुहाडे धर्म स्थान खत्म करी जांदे हैगे आ जी। डॉक्टर गरेवाल जी, जदों तुसी इह गुरुद्वारिआं दी जानकारी साडे नाल शेयर करदे हो, इह जो इस वेले करंटली हो रहा है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਟਿਰਨੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ MLA ਬਣਾ ਲਓਗੇ, पर गवर्नमेंट जी हैगी है ना, उत्थे ट्रेनिंग है टायरेट जिहड़े उन्हूं चला रहे ने हुण, जिहड़े इंडिया दा पार्लीमेंट आ उहदी लोड़ नहीं है, सारा कुछ युद्धे ते चलेगा जी। पंडित दसणगे किहनूं किहड़ी मस्जिद नूं ढाउणा, किहड़े गुरुद्वारे नूं ढाउणा, किहनूं की करना। ये जिहड़ा नवां विधान आ रहा ना, इहदे वल सोचो, जमीना वल ना सोचो जी। कॉलर तों वी सुण लैंदे आ। सत श्री अकाल, तुसीं ऑन एयर हो, कौन बोल रहे हो, कित्थों बोल रहे हो? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी, तुसी लाइव ऑन एयर साडे नाल जुड़े हुए हो, कौन बोल रहे हो? सुखविंदर, पेंसिलवेनिया तो। सत श्री अकाल सुखविंदर जी, की कहना चाहोगे? सत श्री अकाल जी, अशमल जी, मैं अपने गरेवाल साहब जी नूं एक क्वेश्चन करन लगा जी कि असीं इंडिया तों आए हैं, कस के हो गया, लेकिन हुण वी जाके आए हैं, थोड़ा टाइम ही होया, लेकिन कोई इस तरह की गल लगती नहीं भी कोई उत्थे सिख किसी ने कोई दुखी है, जां कोई
कोई हिंदू दुखी या सब आपस में बड़े भाईचारे में रह रहे हैं। मैं तो बहुत घूम के आया हूँ, सारे गुरुद्वारे जाके आया, सब देख के आया, मैं इस तरह कोई भी गल लगी कोई कोई सिख दुखी है या कोई दुखी है। तो इतने जो बाहर बैठे आ उन्होंने दुख लगता कुछ दुखी है, पर इतने जाना कोई नहीं है कि जे उ बाई चांस खालिस्तान बनता है या बखरी जाए कि लोग जाएंगे उत्थे वापस। जी सुखविंदर जी, जी जी थैंक यू सो मच थोड़ी कॉल ले डॉक्टर साहब थोड़ा जवाब। हाँ जी, दिल्ली दे विच एक गरीब सिख औरत व्याही हुई, उहदा बच्चा सी, वो अपने घर वाले नाल नहीं रह रही सी, अपने प्यो नाल रह रही सी कि उहदा प्यो बहुत सिख सी, उहदी हैल्प कर रही सी। उत्थे एक हिंदू मुंडा कहिंदा भी मैनूं तेरे नाल प्यार है, व्याह करा ला। वह कहिंदी भी मेरा व्याह होया बच्चा अज, उन्हें उन्होंने जवाब दे दिता, पर वो मुंडा जिहड़ा सी आई थिंक ही हैज सम साइकेट्रिक प्रॉब्लम, उन्हें सुइसाइड कर लिया। इस गरीब औरत नूं नंगी करके दिल्ली दे विच वो मुंडे की फैमिली ने अपने बंदियां तो बेइज्जत कराया, कपड़े पाड़े, जलूस कढ़िया गया, तो ये इज्जत ना रह रहे हैं लोग। एक निंग सिंह उहदी मदद लई आया, उन्हूं भी फड़ लिया, किसी बंदे नूं नहीं फड़िया, लेडी नूं थाने जाके बिठा लिया, पता नहीं उहदे नाल बाद च की होया। जे इस इज्जत नाल सिख रहना चाहुंदे आ तां फिर इन्हां दा कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर गरेवाल जी, एक मैं चाहवांगी तुसी क्लोजिंग दे विच सानू एक कॉल टू एक्शन दवो, या की तुहाडा मेन अज मैसेज हैगा व्यूअर्स ले। असी गल शुरू कीती कि इस चैनल ते आके कम्युनिटी दे एक मैंबर ने कहा कि इंडिया दे विच सिखां लई बहुत वधिया फ्यूचर हो सकदा है, RSS या करंट रूलिंग पार्टी दे नाल अगर यह कम्युनिटी रल जाती है माइनोरिटीज़ नूं कोई खतरा नहीं हैगा। तुसी उस चीज़ का जवाब देना है सी, अज तुसी अखीर दे विच की जवाब देना चाहोगे? मेरा देखो जी जवाब यह है कि वो RSS दा बंदा जिहड़ा हैगा वो सिख नहीं है, ना उहदे सिख कोई सिखां नाल हमदर्दी है। मेरा अपना परसनल भी ओपीनियन आ, मलो मल्ली थोनू वह मिलते हैं, कहिंदे थोनू मैं वीज़ा लवा दिंदा, मैं क्या भी भाई मैं तो वीज़ा लेना नहीं, मैं जाना नहीं, तेनू की प्रॉब्लम, हर दो महीने बाद फिर कॉल कर। अल्टीमेटली आई हैव टू टेल हिम यू नैवर टू कॉन्टैक्ट मी। इन्हां दी औकात इन्नी की आ, अंबैसी जा के किसी का वीज़ा लवाता, किसी का पासपोर्ट न्यू कराता, इदू ज़्यादा यह कुछ नहीं कर सकते। सो ये आई थिंक मेरा जवाब यह है कि this person who came before Sukhi Chahal, I think he has sold his soul to the devil. Okay. That's the western expression I'm using. ke oh jine soul hi apni vej ditti hai, oh thoda ki karega? je oh kehnda ke main kuch kara sakda, main char panch gallan tonu dasda, ohnu koh kara ke dekhe, pehla ta article 25 ohnu koh repeal kara ke deve ke assi hindu nahi hage sare dharma wale. okay, chandigarh punjab nu dobara dwa ke dekhe, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਵੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡੇਂਜਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਥੋੜੋ ਅਸੀਂ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਟਰੇਟ ਅਗੇਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਰਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ? 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਬੈਲੀਅਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਇਰੈਂਟ ਇਜ਼ ਓਬੀਡੀਅੰਸ ਟੂ ਗਾਡ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਜ਼ ਓਬੀਡੀਅੰਟ ਟੂ ਗਾਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਡਿਊਟੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
मोदी नूं, मिस्टर मोदी आई थिंक इज अ टायरेंट। जिहड़े टायरेंट आ जदों रेवोल्यूशन हुंदा उहनां नाल लोक की सलूक करदे आ, आई थिंक ही शुड गो विजिट पैरिस, जिहड़ा कॉनकॉर्ड स्क्वेयर आ उहनूं इंग्लिश कहिंदे कॉनकॉर्ड स्क्वेयर, जिथे फ्रेंच रेवोल्यूशन विच की होया, लोकां ने राजिआं नाल की कीता, ओहदी यादगार उत्थे वी अजे पई आ। आई थिंक कोई भी दुनिया दा टायरेंट आ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਮੰਨੀ, ਈਨ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 84 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਅਰ ਈਵਨਿੰਗ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਫਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।